आज हम बात करेंगे जर्मनी की, जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। यह देश यूरोप में पड़ता है। इसकी कुल एरिया 357,222 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ के 77% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, जबकि 23% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। जर्मनी में आप पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक प्लेस पे आप बियर ज़रूर पी सकते हैं। आयरलैंड के बाद सबसे ज़्यादा बियर वाइन जर्मनी में ही पीते हैं। यहाँ आपको हर जगह हर सेलिब्रेशन में आपको बियर पीने को मिल जाएगा। यहाँ 14 साल से अधिक उम्र के बच्चे बियर पी सकते हैं। यहाँ की GDP यूरोप में सबसे ज़्यादा है, 4.74 ट्रिलियन है, और यहाँ पर कैपिटा इनकम $56,956 है। जर्मनी में कॉलेज लेवल पे सबके लिए पढ़ाई फ्री है, चाहे वो जर्मनी के लोग हों या बाहर के लोग हों। इसकी करेंसी यूरो है, जो कि 88 इंडियन रुपए के बराबर है। पॉपुलेशन के मामले में यहाँ की जनसंख्या 8,37,00,000 है, जो कि दुनिया में 19वें नंबर पे आती है। जर्मनी ना तो जवान देश है और ना ही बूढ़ा देश है। यहाँ का एवरेज एज 45 साल है। जर्मनी में कुल 7 ऐसे शहर रह चुके हैं जो कभी ना कभी जर्मनी की राजधानी हुआ करती थी। ये हैं एचिन, रेजिनबर्ग, फ्रैंकफर्ट, न्यूरेमबर्ग, बर्लिन, वेन, बॉन और बर्लिन। बर्लिन 1990 के बाद से ही राजधानी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कार का उत्पादन जर्मनी ही करता है। साल 2018 में करीब 40,00,000 कार का एक्सपोर्ट किया गया। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, जो कि यूरोप में इंग्लिश और फ्रेंच के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है। जर्मनी में कुछ नाम ऐसे हैं जो आप रख नहीं सकते, नहीं तो सरकार इसको इनवैलिड करार दे देती है। यहाँ के लोग ऑयली खाना नहीं बल्कि सॉसेजेस, ब्रेड और रोस्टेड खाना पसंद करते हैं। बर्लिन ट्रेन स्टेशन पूरे यूरोप का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जर्मनी में संडे यानी फंडे होता है, यहाँ सबकी छुट्टी होती है। प्लम्बर से लेकर इलेक्ट्रीशियन तक कोई काम नहीं करते। क्रिसमस ट्री ट्रेडिशन की शुरुआत जर्मनी में ही हुआ था। जर्मनी में एक तिहाई हिस्सा जंगलों से भरा है। यहाँ आपको हर 500 मीटर पे एक पार्क देखने को मिल जाएगा। जर्मनी के लोगों को बहुत ही रूड माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों को जो सामने लगता है वो सामने ही बोल देते हैं, इसलिए कई लोगों को बुरा लग जाता है। जर्मनी में 66% लोग ईसाई धर्म को, 26% लोग किसी भी धर्म को नहीं, और 7% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोगों को पढ़ने का बहुत शौक होता है। दुनिया की सबसे पहली मैगजीन जर्मनी में ही 1663 में लॉन्च किया गया था। इस देश में सबसे ज़्यादा बुक को पब्लिश किया जाता है। जर्मनी में 1000 किस्म की सॉसेजेस और 300 किस्म की ब्रेड मिलते हैं। फेमस कोल्ड ड्रिंक फैंटा को जर्मनी में ही उत्पाद किया गया था, जब दूसरे वर्ल्ड वॉर में इंपोर्ट को लेके कोका कोला को बैन किया गया था। यहाँ के छोटे बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं तो उन्हें स्कूल की तरफ से बहुत सारा गिफ्ट, खिलौने मिलते हैं। जर्मनी के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा फिट रहते हैं। यहाँ के लोग आपको कभी मोटे नहीं दिखेंगे। जर्मनी में 65% हाईवे ऐसे हैं जिनकी कोई स्पीड लिमिट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ही सख्त कानून हैं, जो कि कोई उल्लंघन नहीं करता। फॉक्स वेगन, बेंस, मर्सिडीज, ऑडी, पोर्श, ये सब जर्मनी की ही हैं, जो कि जर्मनी के इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा हैं। जर्मनी में 90% टैक्सी बेंस मर्सिडीज की चलती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।